हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ही आपको प्रोवाइड करवा दूं, जिससे कुछ आपको हेल्प मिले। तो यहाँ मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लियर। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से, रिलेशन फंक्शन से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, कि ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप लोगों को एकदम क्लियर विजुअल हो रहा होगा, जिसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड जेड ऑफ इंटीजर गिवन वाई ए कॉमा वी टू डिवाइड्स ए माइनस वी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर। तो इसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप समझिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन चेक करते हैं। तो जो पहली कंडीशन आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, पहले तो यहाँ पर सेट लिख लेते हैं हम लोग। जो सेट हमें दिया गया है, सेट इज इक्वल टू आपका जेड है, रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर लिया आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी such that two divides a minus b। इस रिलेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके अगर हम लोग राइट करते हैं, तो r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, ठीक। ये इस तरह से इस फॉर्म हमने इस रिलेशन को कन्वर्ट कर लिया है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ प्रूव करना है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए इसकी तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, तो हम रिफ्लेक्सिव को ही यहाँ डायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों को थोड़ा पता भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव डाल लेते हैं ओनली। तो इसको रिफ्लेक्सिव हम कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन राइट करता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि जो सिंगल मतलब सेम टू सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट के हमें सेम पे जाए, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू अगर आर कर जाए तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्लियर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ दिखाएंगे लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड, जो स्मॉल ए दिया गया और उस सेट दिया गया जेड, उसने बिलोंग्स करा लिया। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया, अब यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट बी इज इक्वल टू ए। ये जो रिलेशन की डेफिनेशन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। ये जो रिलेशन है जो बी इज इक्वल टू ए है, वो हम लोग इस रिलेशन की इस डेफिनेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। ये मैंने अंडरलाइन किया है इस पे। इसमें जब यहाँ पे वी की जगह ए पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिएगा ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो क्या है, एज, यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे जीरो के लिए क्या है, एज डिविजिबल बाई, ये टू से डिविजिबल है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ओवरऑल ये इम्प्लाइज करेगा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे सो दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टूडेंट देखिए कि रिफ्लेक्सिव हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो समझने में आपको, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा सही। तो अभी हम लोग अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। सिमेट्रिक यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं थोड़ा सा सिमेट्रिक, ठीक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे दो एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे ए कॉमा बी, सॉरी ये यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या रहती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स यानी कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करे। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिवर्स नहीं, यहाँ पे इम्प्लाइज का सिंबल आएगा, इसको मैं रेज करके ठीक कर दूँ जरा,
सिंबल गलत लग गया है, ये वाला सिंबल यहाँ पे आएगा इम्प्लाइज का सिंबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा दीजिएगा इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्लियर, ये आएगा। तो इसके लिए अब क्या करना है आपको ए कॉमा बी के लिए कि हम लोग जो कंडीशन दी गई वो लेके चलेंगे। देखिए जब ए कॉमा बी आर हम बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी डिवीजन वाई टू, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे टेकिंग, राइट कर लीजिए यहाँ पे टेकिंग, फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ये कंडीशन क्या इम्प्लाइज करेगी इस रिलेशन से, यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको ए माइनस बी एज डिविजिबल वाई टू, क्लियर। अब जब ए माइनस बी डिविजिबल वाई टू है तो इसमें क्या किया आपने, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा b माइनस ए हो जाएगा और डिविजिबिलिटी तो सेम रहेगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा एज डिविजिबल बाई टू, ये भी डिविजिबिलिटी सेम रही। अब यहाँ से अगर हम माइनस माइनस साइन को रिमूव कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं b माइनस ए एज डिविजिबल बाई टू। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग जो रिलेशन a कॉमा b लिया था तो यहाँ पे मिला था आपको कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, यहाँ पे आ गया आपका b माइनस ए इज डिविजिबल बाई टू। जब यहाँ पे a कॉमा b था, ये जब यहाँ पे a कॉमा b था तो क्या मिला a माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया है b माइनस ए इज डिविजिबल बाई टू। तो इससे हमें क्या इम्प्लाइज करेंगे, ये इससे इम्प्लाइज ये होगा कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, और ये पूरा इम्प्लाइज कर जाएगा कि r इज सिमेट्रिक, रिलेशन r है ये कैसा हो गया यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी की, बात करते हैं इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, ठीक। तो देखिएगा हम इसके ट्रांजिटिव भी इसको बता दें आपको कैसे प्रूव करना है ट्रांजिटिव, क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को यहाँ भी दिखता रहे, क्लियर। देखिएगा अब इसको हम लोग यहाँ प्रूव करना है, क्या ट्रांजिटिव प्रूव करना है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करना है कि आपको तीन एलिमेंट लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, जो सेट दिया गया, ये सेट क्या दिया गया जेड, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। अब ट्रांजिटिव की जो मेन कंडीशन है हम लोग उसकी अगर बात करें तो ट्रांजिटिव की जो मेन कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे जो रिजल्ट इसका मेन है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ये दोनों मिला करके आपको इम्प्लाइज करेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव कंडीशन होती है, यानी कि हमें ये कंडीशन लेके चलनी है, ये वाली पहली तो लेके चलनी है, तीसरी आ जानी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से अब लोग देखे लेके चलते हैं, ये तो कंडीशन हो गई इसको ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए, ठीक। तो इसको ट्रांजिटिव प्रूव करने की कंडीशन है, तो इसको हमने इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेकिंग में लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है आपको लेके चलना है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि ए माइनस बी इज डिविजिबल डिविजिबल बाई टू, जो कंडीशन आपको दी गई थी उसी को हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक। अब दूसरी वाली कंडीशन लेके चलते हैं, बस अब पेन को मोल्ड कर दूँ, ज़्यादा पतला चल रहा है, ठीक। दूसरी कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, दूसरी कंडीशन क्या थी b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या मिल जाएगा आपको b माइनस सी एज
बी कॉमस बी माइनस सी एच डिविजिबल बाई टू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a माइनस बी भी टू से डिविजिबल है और b माइनस सी भी टू से डिविजिबल है। तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर टू से दो को यानी टू इंटीजर अगर टू से डिविजिबल हैं तो उनका जो सम होगा दोनों का वो भी क्या होगा, टू से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इस b से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा a माइनस सी। और आप हम लोगों को ये पता है कि वी नो दैट सम ऑफ द नंबर हुज डिविजिबल बाई टू, सो दैट सम ऑफ द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि a माइनस सी, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई टू। जब a माइनस सी डिविजिबल बाई टू तो इस कंडीशन को इस रिलेशन की डेफिनेशन को देखते हुए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूरा हो गया। यहाँ पे ये अब यहाँ पे इस कंडीशन देखिए कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r लेके चले, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r लेके चले, और इन दोनों को कंबाइंड करने पे हमको रिजल्ट क्या मिल गया, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमें क्या मिल गया, ए कॉमा सी ये कंडीशन हम लेके चले थे, क्लियर, ये वाली ये हमें आ गई, ये दोनों पर लेके चले थे, तो ये कंडीशन जो हमारी आ गई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, तो इससे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग सो दैट आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दैट आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ये जो रिलेशन दिया गया था ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी, ठीक है, तो राइटिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, बट आपको समझ में आएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ और हम लोग ले लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास की भी अगर हम लोग बात करें, हमने इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं की थी, तो अगर हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करें, ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए देखिएगा यहाँ पे हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया है और इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, क्वेश्चन को भी यहाँ पे ले लेते हैं, तो थोड़ा सा उस पर आपको आइडिया रहेगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग इस पर इक्विवेलेंस क्लास इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन हम इक्विवेलेंस क्लास 20 की हम लोग फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करनी है ये समझिएगा, यहाँ पे हम कुछ इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐड हम लोग ये कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ इस पर फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए, मान लीजिए ये जेड सेट ऑफ जेड इंटीजर है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इस यहाँ पर हमने कंटेनिंग टू ले लिया, क्लियर, कंटेनिंग टू। तो यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे एलिमेंट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे लेट एक्स इज रिलेटेड टू टू, एक्स किससे रिलेटेड है, टू से रिलेटेड है, तो यहाँ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि एक्स कॉमा टू बिलोंग किस में करेगा, आर में बिलोंग करेगा, जब ये आर में बिलोंग करेगा तो अब यही वाली डेफिनेशन लगा दो जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड किया गया, ये तो जब यहाँ पे हम लोग इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस टू इज डिविजिबल बाई टू।
और ये जो दो बार लिख गया है, नहीं, यहाँ गलत हो गई स्पेलिंग, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, हाँ डिविजिबल वाई टू। ठीक, जब ये x माइनस टू टू से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x माइनस टू की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको, लैम्डा के मतलब टू का मल्टीपल मिलेगी, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं टू लैम्डा राइट कर सकते हैं, और लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा n इंटीजर, ये आपका क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर होगा जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स के रिलेशन में क्या माना, एक्स माना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस टू। तो एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से ध्यान दीजिए हमने लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करते चले जाइए, जब लैम्डा की जगह पे आप माइनस वन पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दिखा दीजिएगा, यहाँ पे दिखा दो राइट कर दो, यहाँ पे पुट लैम्डा इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डैश 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 सब टू, क्योंकि ये इन्फाइनाइट सेट है तो इसका जो इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा, इन्फाइनाइट ही मिलेगा। अब लैम्डा की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो, फिर लैम्डा की जगह पे हम जब माइनस वन पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे लैम्डा की जगह जीरो पे एक मिनट, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, जब हम लैम्डा की जगह यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, टू मिल जाएगी, लैम्डा की जगह जीरो करने पे क्या पुट मिल गया, टू मिल गया। अब लैम्डा की जगह जब हम लोग यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, जीरो, प्लस वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर, फिर हम लोग माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू पुट करने पे क्या मिल जाएगा, फोर, माइनस फोर प्लस टू, माइनस टू प्लस टू पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, टू टू जब फोर प्लस टू सिक्स, इस तरह से डैश 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 हम लोग ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें रिजल्ट देखिए ये मिलेगा कि आपको ये मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक इवन नंबर का सेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इस पे जो आने वाले क्वेश्चन है इसके बाद वो आपको होमवर्क में रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करने हैं जो कि आपको होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो सेम पैटर्न पे, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ और जो क्वेश्चन आपको खुद से उनको ट्राई करके सॉल्व करना। जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए वन टू थ्री फोर फाइव गिवन वाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इन इवन। अब यहाँ पे ध्यान दें कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इन इवन कह दिया जाए, या लास्ट क्वेश्चन में अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि a माइनस बी इज ए डिविजल वाई टू, बात एक ही थी दोनों में, फिर यहाँ कह दिया गया फाइंड एन इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू इज एन सो दैट द इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट द आर एलिमेंट ऑफ वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या करना, वन थ्री फाइव को नहीं आपको चेक करना, केवल वन के लिए इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड करना है। इस रिलेशन को फॉलो करते हुए वन के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे और उस क्लास में जो निकलेगा वो 135 ही आएगा। तो जब यहाँ पे हमने ये कह देंगे फिर कि इस इंटरवल में ये जो दिया गया है आपका, ये जो इंटरवल दिया गया है इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये जो दिया गया है इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सभी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। वैसे यहाँ पर टू कमा फोर में टू फोर से रिलेटेड है और फोर टू से रिलेटेड, तो टू के लिए निकालो या फोर के लिए निकालो, दोनों के लिए इक्विवेलेंस क्लास सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए होमवर्क में होने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये सेकंड क्वेश्चन जो आपको एक होमवर्क में दे दिया, सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से दिया गया है ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके आपको समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ आपका इन्होंने सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ए सेट क्या दिया गया है आपका, देखिएगा जीरो से लेके 12 तक के सभी इंटीजर्स लिए गए हैं। ठीक है, इंटीजर्स लिए गए और जो उस रिलेशन वो आर से नाम यहाँ पे किससे कर दिया, एस से डिफाइंड किया, ए माइनस बी ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल वाई थ्री। जैसे वहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ए माइनस बी इज डिविजिबल वाई टू लिया था, वैसे यहाँ पे मॉड लगा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करिएगा,
और इनका आंसर आप जरूर अपनी कॉपी में राइट करिएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा फोर्थ। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन, लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं, वो सभी एक साथ कलेक्ट करके रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर फोर में एक आया इन्होंने, जो सेट दिया गया 0 से 12, वही बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सेट ले लिया गया है। फिर उन्होंने कह दिया जो रिलेशन का है उन्होंने, आर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिड बाई 4। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिड बाई 3 था, अब इसमें क्या आ गया, डिविजिड बाई 4 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहते हैं आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेटेड आपको पूरी क्लास फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाइड करे। क्लियर, तो इसमें अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम इक्विवेलेंस क्लास निकालना बता देंगे, बाकी आपको यहाँ पे आल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 2, 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास आपको खुद से निकालेंगे, हम 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास अभी आपको निकाल के इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट आपको बताया गया है, उसी तरह से आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसके इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर दे रहे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी करेगी और इम्पोर्टेंट भी है, तो हम आपको उसको आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिएगा, देखिए इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम लोग सबसे पहले क्या राइट करेंगे, रिलेशन आपका दिख रहा है, क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो ही रहा होगा सभी को। तो यहाँ 1 के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप बना ले रहा हूँ, टू फाइंड राइट किए दे रहा हूँ, टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 1। हम लोगों को 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या राइट करेंगे यहाँ पे, लेट एक्स इज रिलेटेड टू 1, एक एलिमेंट मैंने ले लिया एक्स जो 1 से रिलेटेड है। जब 1 से रिलेटेड है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स कॉमा 1, क्योंकि एक्स रिलेटेड किससे, 1 से है, तो ये क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। तो जब ये आर बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ये जो कंडीशन दी गई इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो सेटिस्फाइड करने में हम यहाँ पर राइट करेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, डिविजुअल वाई 4। तो यहाँ पे पी इक्वल हटा दीजिएगा, इक्वल को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा राइट कर दूँ वो वर्डिंग, फिर आपको मैं समझाता हूँ आगे। तो यहाँ पे हम इक्वल नहीं राइट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4। क्लियर, तो अब यहाँ से देखिएगा, जब जो एक्स माइनस 1 है और इसका जो मॉड है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या आएगा, ये क्या आएगा, 4 लैम्डा के इक्वल मिलेगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 लैम्डा दिखा दिया। या यहाँ पे हम लोग 4 8 0 4 8 -4 भी पुट कर सकते थे। अब यहाँ से देखिएगा कि x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब यहाँ से मॉड रिमूव करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 4 लैम्डा, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस 1। क्लियर, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा इज एनी इंटीजर, लैम्डा क्या है आपका, कोई भी एक इंटीजर है। अब हम लोग यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेके चलेंगे, एक बार माइनस साइन लेके चलेंगे, ठीक है, और उस पर हम लोग चेक करेंगे। बट ये ध्यान रखना है आप लोगों को, लैम्डा की जगह 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे, जो भी हमारे एलिमेंट आएंगे वो इस सेट में ही बिलोंग करेंगे, इस सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। 0 और 12 के बीच में ही सभी एलिमेंट हम लोगों को यहाँ पे रखने हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लेके चलते हैं और लैम्डा की जगह पे अगर हम लोग 0 1 भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल हमको कौन सा साइन लेके चलना है, पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, वी टेक या वी कंसीडर पॉजिटिव साइन, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। रीजन क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, लैम्डा की जगह आप 1 भी पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -3 आ जाएगा। -3 इस सेट में कहीं है नहीं, ये जो सेट दिया गया ना इसमें है नहीं,
तो आप लोगों को ध्यान देना कि हमने यहाँ पे कंसिडर क्या किया, पॉजिटिव साइन कंसिडर किया, तो पॉजिटिव साइन में कंसिडर करने पे आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, डैश डैश, लेकिन हमने वैल्यू तो लगा दी डैश डैश, लेकिन हम x की वैल्यू रखेंगे कहाँ तक, देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट करिया तो क्या मिल गया 1, एंड पुट द लैम्डा वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1, वी गेट 4 बन जा 4 प्लस 1 5, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 3 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 1 ये क्या आ गया 13, लेकिन 13 आपका जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके आगे नहीं जाएंगे, तो जो हमारा एक्स मिल गया, एक्स इज इक्वल टू सेट क्या मिल गया आपको 1 5 एंड 9, तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 1 अदरवाइज 5 अदरवाइज 9, तो यहाँ दिखाएंगे हम लोग, देख देंगे इज द इक्विवेलेंस, इज द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे यह चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिया था, तो यहाँ तक ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये आपकी अगर एक घंटे की क्लास रहेगी तो आपका काम कम से कम 2 से 3 आवर का काम आपके लिए हो जाएगा, क्लियर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 तो वही है सेकंड पेज जो इसके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाला हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और ये 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे 19 पड़ा हुआ, यहाँ पे आप 8 राइट कर लीजिएगा, ठीक, मैं किए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, तो चूंकि हम अपना क्लास ले रहे हैं तो हम अपने सीरियल से चलेंगे 8, तो यहाँ पे ये 5 6 7 8 चार क्वेश्चन और बिल्कुल सेम उसी तरह से दिए गए हैं, इनको कि आपको होमवर्क में रखना है। देखिएगा ये सेट जो दिया गया है, यहाँ भी 0 टू 12 था, यहाँ पे सेट क्या हो गया 1 से लेके 12 तक हो गया, रिलेशन आपको वही दे दिया है माइनस वी डिजिटल वाई 3 इज इक्वल फाइंड द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, अभी जो पीछे क्वेश्चन किए 4 नंबर्स उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, ये वाला भी पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेम एज एन मॉड ऑफ ए माइनस बी एज एन इवन नंबर ये उसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लेट जेड सेट ऑफ जेड इंटीजर, ठीक है, ए माइनस बी एज डिवाइड बाई 5, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये होल सेट जेड इंटीजर पे था, एंड ए माइनस बी ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी एज ए डिविजिबल बाई 5, और जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर डिविजिबिलिटी किसका था 2 का था, प्रूफ दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है ये सभी, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको होमवर्क में रखिएगा, और इनको अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप ये मान लीजिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस इक्विवेलेंस रिलेशन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन में इतने क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए हैं इतने में से ही आपका कोई ना कोई इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और आगे बात करते हैं क्वेश्चन, अभी और आगे ये क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, 8 वहाँ पे यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, चलिए थोड़ा नंबर सीक्वेंस इधर उधर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप समझिएगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े है उसी तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन का ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंस है, तो एक टाइप का क्वेश्चन काफ़ी हो गया, तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो उससे अलग टाइप का इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहना है, डिटरमाइन वेदर ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स जो दिया गया, रियल नंबर डिफाइंड किया, तो रिलेशन जो डिफाइंड किया है इन्होंने आर, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर एंड ए माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू एस, वेयर एस इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव ये कट गया है, तो इस रिलेशन को आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ये क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है रिलेशन उसको राइट कर लेते हैं, ठीक,
आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए माइनस बी प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू एस कॉमा एस इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग हम लोग बना लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे इस चीज़ की हम लोग बात करते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने अभी पहले भी बताया था कि जो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए एक एलिमेंट और उसकी इमेज उसी पे जाए, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या आ जाए आर, तो रिलेशन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ठीक, तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ ध्यान देना ये आर रिलेशन वाला नहीं है, ये आर कौन सा है, ये वाला है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए आ गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं क्या करना रिफ्लेक्सिव का वही कंडीशन कि आप क्या करेंगे पुट वी इज इक्वल टू ए, हम लोग इसमें पुट करेंगे वी इज इक्वल टू ए, यानी कि इस रिलेशन में जो डेफिनेशन दी गई है वाली, इसमें क्या पुट करना, जहाँ बी वहाँ पे क्या पुट करेंगे ए पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा ए माइनस ए प्लस रूट थ्री, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, रिजल्ट आपको क्या मिल गया रूट थ्री। अब बताइए रूट थ्री इरेशनल है या रेशनल है, तो रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर, तो यहाँ दिखा देंगे हम लोग इज एन इरेशनल, जब ये इरेशनल आ गया रूट थ्री इज इरेशनल, तो यहाँ से मैं रिजल्ट क्या मिल गया कि रूट थ्री बिलोंग किस में करेगा एस में करेगा, तो सो दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ये इम्प्लाइज कर गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और कैसा हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं किसकी सिमेट्रिक की। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। ठीक, सिमेट्रिक सिमेट्रिकली जैसे रिफ्लेक्सिव एक एलिमेंट लेके चले, सिमेट्रिक में इतने एलिमेंट लेने दो, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर, तो सिमेट्रिक की जो कंडीशन है आपको मिलना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लोग लेके चलें, और ये इम्प्लाइज क्या कर जाए कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आ जाए, तो इस कंडीशन को जब एग्जिस्ट कर जाएगा रिलेशन कोई भी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे द रिलेशन इज ए सिमेट्रिक। क्लियर, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग वी कैन सी हियर, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो अभी हमने क्वेश्चन किए उस तरह से नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ हम लोगों को इस तरह से जूम करना पड़ेगा जिसपे हम लोग चेक कर सके। देखिए ये जरूरी तो नहीं है कि ये सिमेट्रिक ही हो जाए, जो हम लोग कंडीशन लेके चल रहे हैं उस पे सब पे आपका इरेशनल नंबर ही आ जाए, तो कम से कम एक एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऐसा हम लोग यहाँ पे शो करेंगे जिससे सिमेट्रिक की कंडीशन को क्या कर जाए फेल कर दे। जब सिमेट्रिक कंडीशन को फेल कर देगा तो हम लोग कह देंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया है रूट थ्री एज्यूम कर लिया और बी इज इक्वल टू पुट कर दिया वन, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेके चलेंगे, देखिएगा रूट थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर। क्लियर, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा रूट थ्री टू रूट थ्री माइनस वन, और ये आपका क्या इरेशनल है, तो ये एस में बिलोंग कर गया। अब हम लोग चेक करते हैं बी कॉमा ए के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहे थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो बी कॉमा ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बी कॉमा ए जब लेके चलेंगे तो बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या कंडीशन ले ली जाएगी वन कॉमा, ठीक, तो यहाँ पे जो कंडीशन ले ली जाएगी, सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, तो हम बी कॉमा ए के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या राइट करना पड़ेगा वन कॉमा रूट थ्री। क्लियर,
जब हम लोग ये पेयर लेके चलेंगे तो यहाँ पे आर में बिलोंग करके नहीं दिखाएंगे हम लोग, केवल ऐसे ही चेक करेंगे, बिलोंग्स टू सिंबल लगा दिया, तो पहला एलिमेंट तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस वन आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में किया गया रूट थ्री एड, वो यहाँ पे ये वाला ये जो दिया गया है ये, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, प्लस रूट थ्री। अब देखिए ये से हो गया कैंसिल, तो रिजल्ट आपको क्या मिल गया, वन, और वन आपका क्या है, ये रियल रेशनल नंबर, तो ये एस में बिलोंग करेगा नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट हम लोगों को मिला वो ये मिला कि रूट थ्री कॉमा वन ये तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट वन कॉमा रूट थ्री ये आपका क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये हो गया तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सो दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो इन दो कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट, इसकी जो लास्ट कंडीशन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, क्लियर। आप चाहें तो वीडियो और पीडीएफ वॉच करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको अपना नोट्स भी बना लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे इसको ट्रांजिटिव, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग फिर हेडिंग बनाएंगे, एक ट्रांजिटिव की हेडिंग बना लेंगे यहाँ पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तीन एलिमेंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे थ्री एलिमेंट ले लेंगे, कौन कौन से, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है वो क्या रहती है, आपको मैं फिर यहाँ एक बार मेंशन कर दूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ये दोनों मिला करके इम्प्लाइज कर जाएँ कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिनसे हम ये प्रूव करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, थोड़ा सा पर्टिकुलर ही ले लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू रूट टू, और सी, सॉरी यहाँ पे b राइट कर लीजिए, b इज इक्वल टू रूट टू एंड c इज इक्वल टू रूट थ्री, ये थ्री एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ से देखिएगा कि हम a कॉमा b की बात करें तो a कॉमा b के लिए हमें क्या मिलेगा, वन कॉमा रूट टू, ये r में आपका बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या एम्प्लाइज करेगा, वन माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री, और जब रूट आ रहा है तो ये सीधी सी बात है ये रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये बिलोंग किस में करेगा, इट इज रेशनल बिलोंग्स टू एस। नेक्स्ट आपका आता है बी कॉमा सी के लिए आता है, तो बी कॉमा सी में क्या मिलेगा, रूट टू कॉमा रूट थ्री बिलोंग्स टू आर, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। ये ए और बी की जो वैल्यू हमने ये जो ब्रैकेट लिया है ऑर्डर पेयर लिया है, हम लोगों ने इस रिलेशन में यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, इसमें पुट किया ए और बी की जगह, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, रिजल्ट आपको क्या मिल गया, रूट टू बिलोंग्स टू एस, ये भी इरेशनल है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए ये है और सी ये है, तो यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग क्या मिलेगा, वन कॉमा रूट थ्री। अब देखिए वन कॉमा रूट थ्री की बात करें तो जो पीछे अभी हमने लिया था उसमें एक एग्जाम्पल लिया था इसमें सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था कि वन कॉमा थ्री जो आ रहा है वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, वन कॉमा थ्री जो है वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ से वैसे ही दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा आपको करके भी बता दे रहा हूँ। वन कॉमा थ्री यहाँ पे भी हम आर में नहीं दिखाएंगे, हम लोग जनरली लेके चलेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो हम लोग चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करना है, इम्प्लाइज दैट इसमें यहाँ पुट करो वैल्यू, तो इसकी जगह पे वन माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू मिल गया वन, और ये आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, क्योंकि ये रेशनल है, वन रेशनल है और एस क्या इरेशनल है, तो इसमें बिलोंग करेगा नहीं, जब रेशनल बिलोंग नहीं करेगा तो रिजल्ट हमको क्या मिल गया, वन कॉमा रूट थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें हम लोग क्या आंसर कैसे राइट करेंगे ट्रांजिटिव के लिए,
तो यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग वन कॉमा रूट टू बिलोंग्स टू आर एंड रूट टू कॉमा रूट थ्री बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, जब इन दोनों को हमने मिक्सअप किया तो आपको जो एक एलिमेंट मिला और नहीं ऑर्डर पेयर जो मिला वन कॉमा रूट थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सो दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हैं कि ये तो मैंने कम ही है, होमवर्क आपको ज़्यादा दे दिया है, क्लियर। तो अभी हम लोग और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे, जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न में बताएंगे। इस पे जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन हैं, तो वो सभी क्वेश्चन हम आपको कल या परसों में कोई भी नेक्स्ट डे पे जब हम क्लास लेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे तब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो अभी आप लोग ये जो दिए गए हैं, जो यहाँ तक के क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन, 8 नहीं बल्कि 9 यहाँ पे होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर में बना दूँ, 9 क्वेश्चन आपको है, 9 क्वेश्चन में मैंने बताया तो मैंने तो कुछ ही सॉल्व किए, लेकिन मेरे सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा ज़्यादा आपको जब तक कि आप खुद से अपनी प्रैक्टिस अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। तो इतने प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगा, ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं और आपके सब्सक्राइब हैं और आपका जो शेयर है वही मेरे लिए रिवार्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम उतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।